नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज दोपहर के समय किन किन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कल रात्रि के समय जयपुर के आसपास के जिलों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां हुई, कई जगहों पर तेजों के साथ बारिश की गतिविधियां जयपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली। क्योंकि अगस्त का महीना सूखा रहा, अब एक बार फिर मानसून ब्रेक खत्म हो चुका है और अगले 5 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश का मौसम कैसा बना रहेगा। अगले 5 दिन तक राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर आज भी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में इसका असर देखा जा सकता है। खासकर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में बरसात होगी और कई जगहों पर तेज स्पीड से हवा चलने की संभावना है। लोगों को एक तरफ जहां गर्मी उमस से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ चिंता किसानों की काफ़ी कम हुई। हालांकि कई किसानों के लिए बारिश अब नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अब किसान अपने काम में लगे हुए हैं। यह बारिश कईयों के लिए फायदेमंद साबित होगी तो कईयों किसान के लिए नुकसानदायक साबित होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, कोटा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, भरतपुर जिले में कुछ जगहों पर शाम के वक्त बादल एक्टिव हुए और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और आगामी दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा बना रहेगा, राजस्थान के आज किन किन जिलों में असर रहेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, साहित्या, दुद्दू, खरतल, डींग, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। सीकर में, झुंझुनू में कुछ कुछ क्षेत्रों पर दोपहर के बाद स्थानीय स्तर से कुछ जगहों पर खंड वर्षा होगी। बाकी कई जगहों का मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण कई जगहों पर उत्तर पूर्वी हवा चलने की संभावना है और साथ ही नागौर में भी उत्तर पूर्वी भाग, नागौर के भी दक्षिण पूर्वी भाग जहां पर बादल एक्टिव होने के साथ बीच बीच में इन्हीं क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होगी। बाकी उत्तर और पश्चिमी नागौर का मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही बात करें अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सैलुंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, साहित्या और भीलवाड़ा आसपास इन जगहों की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, साहित्या, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां होगी। खासकर बात करें भरतपुर, जयपुर, दौसा और इन कोटा संभाग के जिलों में असर बना रहेगा। बाकी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में, जोधपुर संभाग, साहित्या, अगले 2 दिन तक अधिकांश भागों का मौसम सूखा रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ लोकल स्तर से बादल बनने के संभावना के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकी या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। बादल छा सकते हैं और जालौर, पाली, सिरोही, सांचौर, राजसमंद, जोधपुर, दक्षिण पूर्वी भाग जहां पर कुछ स्थान पर बादल एक्टिव होने के साथ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां होगी। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण अब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में एंटर कर गया और इस सिस्टम के कारण पूर्वी राजस्थान के एक बार फिर कई हिस्सों में मानसून एक्टिव हो जाएगा। और बताया इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान की कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के 9 सितंबर से लगातार जारी रह गई और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में अगले 3-4 दिन तक मौसम सूखा रहेगा। हालांकि बाद में बादल छाने के साथ कुछ कुछ भागों में 8 व 9 सितंबर को इन्हीं भागों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी, लेकिन बीच बीच में कई जगहों का मौसम शुष्क बना रहेगा। सरहदी इलाकों की बात करें तो बॉर्डर वाले इलाकों लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है। सीमावर्ती पाकिस्तान के लगते बॉर्डर वाले इलाके मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश दौर आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। आज मौसम कई जगहों को रात्रि के समय बदलने की संभावना है। राजस्थान मौसम लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।